देश अभी कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है, इस बीच अम्पन सुपर साइक्लोन का भी खतरा मंडराने लगा है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं केरल के 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, मतलब यहां पर भारी बारिश हो सकती है। अब ये अम्पन सुपर साइक्लोन बला क्या है, इस तूफान का नाम अम्पन क्यों पड़ा है, सरकार की तैयारियां क्या है, मौसम विभाग की तैयारियां क्या है और NDRF की कितनी टीमें तैनात हैं, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। NDRF और IMD ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि साल 1999 में ओडिशा में एक सुपर साइक्लोन आया था जिसने भारी तबाही मचाई थी। अब जो ये नया साइक्लोन आ रहा है वो भी उसी गति का होगा, उसी तेजी का होगा और वो भी जान माल को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के जिन इलाकों पर इसका असर दिखेगा वो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ आबादी है, वहाँ पर नुकसान हो सकता है। जो छतें हैं, कच्चे मकान हैं, उनको नुकसान हो सकता है। जो वहाँ कम्युनिकेशन, जैसे वहाँ बिजली के खंभे, कम्युनिकेशन के जो खंभे लगे हैं उन पर भी भारी नुकसान पहुँच सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ ये भी कहा गया कि जान माल को भी नुकसान हो सकता है। ओडिशा ने इन सब खतरों को देखते हुए 11 लाख लोगों को कहीं और शिफ्ट करने की प्लान बना लिया है, उसकी तैयारियां वहां पर जारी है। इसका असर राज्यों के ट्रांसपोर्ट और रेल परिवहन पर भी पड़ेगा। गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि PM मोदी ने एक समीक्षा बैठक की जिसमें गृह मंत्री और NDRF के बड़े अधिकारी शामिल थे। इससे पहले भी दो मीटिंग की जा चुकी है जिसमें इस तूफान की गंभीरता का अंदाजा लगाया गया और उसकी तैयारियों के बारे में समीक्षा की गई। NDRF की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 19 टीमें तैनात हैं और 4 टीमें स्टैंड बाई पे हैं। ओडिशा में 13 टीमें तैनात हैं और 14 टीमें स्टैंड बाई पे हैं। वहीं NDRF की 6 बटालियन की 4-4 टीमों को हॉट स्टैंड बाई पे रखा गया है, मतलब जैसे ही जरूरत पड़ती है पश्चिम बंगाल में या ओडिशा में तो उन्हें वहाँ भेज दिया जाएगा। ये हो गई सुपर साइक्लोन की गंभीरता और सरकार की तैयारियों की बात। अब ये सुपर साइक्लोन अम्पन के नाम से क्यों जाना गया, ये नाम कहाँ से आया? साल 2004 में जो लिस्ट बनी थी तूफानों के नामों की लिस्ट, उसका ये आखिरी नाम है। इस नाम का प्रस्ताव थाईलैंड की तरफ से आया था। अगर तूफानों, चक्रवाती तूफानों के नामों की बात करें तो साल 1953 में इनके नाम रखे जाने की शुरुआत हुई थी। अमेरिका के मायामी स्थित नेशनल हरिकेन सेंटर ने इसकी शुरुआत की थी। साल 2004 में क्या हुआ कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने सारी समितियां जो थी नाम रखती थी उनको भंग कर दिया और अलग अलग देशों को बोला कि वो अपने लेवल पर खुद ही नाम रखें। इसके बाद क्या हुआ कि भारत समेत 8 देशों, जो भारत के नेतृत्व में जो 8 देश तटीय देश थे, उनको मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया और फिर नामकरण की शुरुआत हुई। 8 देशों का जो ग्रुप है उसमें भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव और ओमान जैसे देश हैं। अब इन देशों के में जहाँ तूफान आता है वहाँ इन ग्रुप में कंसल्ट करके उनका नाम रख लिया जाता है। अभी हाल ही में यानी अप्रैल 2020 में एक नई लिस्ट बनाई गई जिसमें 13 देश शामिल है और सभी 13 देशों ने 13-13 अलग अलग चक्रवातों के नाम सजेस्ट किए हैं। भारत की तरफ से भी कई नाम यानी 13 नाम सजेस्ट किए गए हैं। ये तो हो गई बात अम्पन तूफान के बारे में कि सरकार की तैयारियां क्या हैं और क्या NDRF कैसे पहुँच रही है, कितनी NDRF की टीमें अब तक पहुँच चुकी हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए क्विंट हिंदी के साथ।